अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि सभी अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ फिर से एक डबल कलर का डिज़ाइन शेयर करूंगी जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप इसे किसी भी जेंट्स के स्वेटर में डाल सकते हैं, बेबी के भी स्वेटर में डाल सकते हैं, कैप में डाल सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे किस तरह से बनाएंगे, ये देखिए फ्रेंड, हमने इसमें 24 फंदा डाल रखा है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। छः फंदा हम क्रीम से बना रहे हैं और उसके बाद फिर हम कलर चेंज करेंगे, क्योंकि डबल कलर का है तो कलर हमें चेंज करना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। फिर से एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। फिर यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये रहा छः। इसे भी हम बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, छः छः फंदा के हिसाब से इसमें डिजाइन डलाएगा। अब आगे देखिए, दोनों साइड से ये डिजाइन बनने वाला है। आ जाते हैं हम उल्टा साइड। उल्टा साइड में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक फंदा हम क्रीम लेंगे, उसके बाद एक, दो, तीन, चार, पाँच। पाँच फंदा काला बन गया। उसके बाद फिर यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पाँच। फिर यहाँ पर भी पाँच फंदा काला और ये एक फंदा, सॉरी, पाँच फंदा क्रीम का और एक फंदा काला। अब यहाँ पर फिर एक फंदा हमारा क्रीम का रहेगा और पाँच फंदा काला। ये देखिए, अब फिर हमें यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पाँच, इसे हम काला बना ले रहे हैं। आ जाते हैं हम सीधी सिलाई में। इसे स्लिप करेंगे, एक और फंदा काला बनेगा और अब एक, दो, तीन, चार फंदा क्रीम और चार फंदा काला। एक, दो, तीन, ये रहा चार। अब इधर यहाँ पर जो है हमारा दो फंदा एक और ये दो क्रीम का रहेगा और यहाँ फिर ये काला भी दो फंदा रहेगा इस तरह से। एक, दो, तीन और ये रहा चार। फिर यहाँ पर एक, दो, तीन और ये रहा चार। अब इसे हम क्रीम से बनाएंगे और ये स्टार्टिंग का है, इसे भी हम क्रीम से ही बनाएंगे। आ जाते हैं हम उल्टा साइड में। अब उल्टा साइड में हमारा तीन फंदा क्रीम का होगा, क्योंकि हमने अभी आपको जो बता रही हूँ स्टिच के लिए हमने फंदा नहीं लिया था। ये देखिए तीन फंदा, फिर यहाँ पर भी तीन फंदा, यानी कि इस सिलाई में हमें टोटल फंदा तीन तीन ही लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर हम
एक दो और तीन, ये भी तीन लिए, और इस साइड भी क्रीम का जो है कलर वो भी हमें तीन ले लेना है। यानी कि टोटल सिलाई हम जो है तीन तीन फंदा में बना करके कंप्लीट कर ले रहे हैं। ये देखिए, आ गए हम सीधी सिलाई में। तो फ्रेंड्स, सीधी सिलाई में डिजाइन आपको दिखने लगा होगा, ये देखिए। यहाँ पर अब हम चार फंदा काला बनाएंगे और दो फंदा क्रीम का, एक और दो, फिर यहाँ पर दो फंदा काला, और चार फंदा क्रीम का, इस तरह से, ये देखिए। फिर से एक दो तीन और ये चार, चार फंदा क्रीम का, सॉरी काला, और दो फंदा क्रीम का, फिर इधर भी दो फंदा काला और चार फंदा क्रीम का, ये देखिए। अब हम आ जाते हैं उल्टा साइड में। अब पांच फंदा हमारा क्रीम का होगा और एक फंदा काला, फिर एक फंदा क्रीम का, फिर से यहाँ पर एक दो तीन चार और ये रहा पांच, पांच फंदा क्रीम का काला, और फिर एक दो तीन चार और ये पांच, पांच फंदा क्रीम का, फिर एक फंदा हमारा काला, एक फंदा क्रीम का, और फिर से हम एक दो तीन चार पांच, ये देखिए। अब हम छह फंदा काला बनाएंगे, ये देखिए, पांच फंदा बन गया है, ये छठा फंदा है। अब यहाँ पर हम छठा फंदा, छह फंदा क्रीम के का बना लेंगे। फिर एक दो तीन चार पाँच और ये रहा छः, छः फंदा काला, और एक दो तीन चार पाँच छः, छः फंदा क्रीम का, ये देखिए। अब यहाँ पर से हमें प्रोसेस चेंज करना है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर से ये जो क्रीम है ये इसी तरह रहेगा, बनता हो जाएगा, एक दो तीन चार पाँच छः, सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर से हमें प्रोसेस चेंज करना है। हम एक फंदा काला बना लेंगे, उसके बाद हमें क्रीम में हाथ लगाना है, इस तरह से।
एक फंदा क्रीम का और पांच फंदा, एक फंदा काला और पांच फंदा क्रीम का, इस तरह से। ये देखिए इस साइड भी एक दो तीन चार पांच फंदा काला, अब एक फंदा हमारा यहाँ पर क्रीम का बनेगा। काला जो है उसको हम क्रीम बना लेंगे और जो क्रीम है उसको हम काला बना लेंगे। ये मेरा डिजाइन का बीच सेंटर है। इसके बाद हम पांच फंदा क्रीम का और पांच फंदा काला, तो फ्रेंड्स मैंने जो ये डिजाइन को स्टार्ट किया है, ये एक तरीका और है बनाने का, वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी कि किस तरह से बना सकते हैं। उसमें भी आपको कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी और इस तरह से भी बनाने में दिक्कत नहीं होना है। अब ये क्रीम कलर एक है, हम यहाँ पर दो क्रीम कलर बनाएंगे। इसके बाद काला, चार फंदा इस साइड से और चार फंदा उस साइड से, एक दो तीन चार, चार फंदा उस साइड वाला, फिर एक दो, दो फंदा काला और दो फंदा क्रीम का बीच में, इसी तरह से अब ये बढ़ता जाएगा। ये देखिए सेम इस तरह से, चार फंदा काला और चार फंदा क्रीम कलर का। आ जाते हैं हम उल्टा साइड में। अब उल्टा साइड में हमें ये डिजाइन दोनों साइड से बनता है, तो उल्टा साइड में हम तीन फंदा काला लेंगे अब और तीन फंदा क्रीम का। फिर से तीन फंदा काला और यहाँ पर तीन फंदा क्रीम का, पूरा सिलाई हमें तीन तीन का बनाते हुए जाना है इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, जब ये डिजाइन आप बनाने लगेंगे इतना मन लगेगा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत जल्दी ये डिजाइन बन करके तैयार होता है। तो ये देखिए ये भी वाला डिजाइन बनना स्टार्ट है। आ गए हम फिर से सीधी सिलाई में। एक दो तीन, अब चार फंदा क्रीम का और दो फंदा काला, फिर दो फंदा क्रीम का और चार फंदा काला। बस इसी तरह से हमें अपना प्रोसेस रिपीट करते हुए जाना है, जैसे कि आप देख रहे हैं, और बहुत ही आसानी से आपका ये डिजाइन बन करके रेडी हो जाएगा। ये देखिए ये देखिए, एक और तरीका जो है नीचे आप इस तरीका से स्टार्ट कर सकते हैं आप अपने प्रोजेक्ट में। अगर मैं जो तरीका बताई हुई हूँ
वो नहीं आया समझ में, तब जा कर के आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम उल्टा साइड, और उल्टा में आप देखिएगा कि हम इसे किस तरह से बनाए हुए हैं। सेम वही प्रोसेसिंग हमें करना है। 3, 4, अब 5 फंदा उल्टा काला का और 1 फंदा क्रीम, फिर यहाँ पर 1 फंदा काला और 5 फंदा क्रीम का, ऐसे। अब यहाँ पर फिर से 5 फंदा काला, फिर यहाँ पर 1 फंदा क्रीम का और 1 फंदा काला, इसके बाद फिर 5 फंदा, ये देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो है डिजाइन का लास्ट प्रोसेस है। देख सकते हैं कि हम 6-6 फंदा से स्टार्ट किए थे, तो अब हमारा ये लास्ट जो है 6-6 फंदा में आकर के ख़त्म हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 और ये रहा 6। 6 फंदा बना लिए हैं फिर क्रीम का, और 6 फंदा हमें काला बनाना है। फिर 6 फंदा क्रीम का, ये देखिए, फिर 6 फंदा काला, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर से अब फिर हमारा प्रोसेस चेंज हो जाएगा। ये जो है किनारा है, फिर से हम 1 फंदा से स्टार्ट करेंगे, 1 फंदा काला और ये 1 फंदा क्रीम का, और फिर बीच से इधर काला 1 फंदा होगा, इधर क्रीम का, जैसे यहाँ पर है, ये तिरछा बनता हुआ जाएगा बिल्कुल हमारे प्रोजेक्ट के जैसा, इस तरह से। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का डिज़ाइन समझ में आया होगा। आया होगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले डिज़ाइन में, तब तक के लिए दीजिएगा हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़।